कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 साल से स्कूल बंद थे जो कि अब खुल चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चों और अभिभावकों ने खुशी जाहिर की है। कोरोना की तीसरी लहर को लगभग खत्म माना जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइमरी और जूनियर स्कूल खुल गए हैं। बच्चे हंसते खिलखिलाते स्कूल पहुंचे, शिक्षकों ने मिठाई और चॉकलेट देकर बच्चों का स्वागत किया, साथ ही शिक्षकों ने बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव का पाठ भी पढ़ाया। काफी दिनों बाद स्कूल स्टार्ट हुए हैं, बच्चे जो है बहुत परेशान हैं घर में, और कोरोना काल के बाद से अब हम ये चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्कूल जल्दी से स्टार्ट हो जाए, जिससे कि बच्चे लोग यहाँ आना स्टार्ट करें। और बच्चे जो है एक जो लेजी हो गए हैं और बहुत सी प्रॉब्लम है उससे उभर के आए हैं, काफ़ी परेशान है बच्चे। बड़े बच्चे भी ये उत्साहित हैं, घर पर मेरी बेटी है जो OLF में पढ़ती है, तेजस्विनी पाठक उसका नाम है, वो भी कहती है कि पापा मैं स्कूल कब जाऊंगी। बहुत अच्छा है बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि घर में वो सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं हो पाता है जो स्कूल में होता है, और बच्चे एक अनुशासन सीखते हैं स्कूल में, टाइम से आना जाना। और घर पे तो आपको पता ही है, हम लोग भी थोड़ा फ्री रहते हैं। तो पहले बच्चे किस तरीके से अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे, करा रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे बच्चों के साथ, बच्चे भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस थी, तो अभी बच्चों में किस तरीके की खुशी देख रहे? अभी तो बच्चे बहुत खुश हैं, पहला डे है, अब ये अंदर से खुश होके आने चाहिए, स्कूल वाले थोड़ा कैच करें उन्हें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना है। बहुत खुशी मिल रही है, बच्चे अपने आप तुरंत तैयार हुए, अपना बैग भी तैयार किया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्योंकि देखो 1 साल से बच्चे घर पे बैठे हैं तो बहुत उन्हें बोरिंग महसूस हो रही बच्चों को, भाई स्कूल आएंगे तो उन्हें अच्छे तरीके से समझेंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से लेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों के अब स्कूल खुलना ही चाहिए बिल्कुल।